से क्या समझौता है। अनुमा, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, मैंने अभी मैं पढ़ने की कोशिश वही कर रही थी कि ओपेक कंट्रीज से क्या ऑयल की सप्लाई कम हुई है, उसके बारे में तो कुछ एकदम से मिला नहीं। तो जो कह रहे हैं वो तो जब तक तथ्य उसके, ये या तो मुझे दिखाएं कि कहां पर लिखा है वो, उसका हमें सोर्स बता दें। जो चीज सामने है सबके वो ये है कि जो ऑयल के बैरल्स हैं, क्रूड ऑयल का जो बैरल है, उसकी कीमत जो पहले थी आज से 6-7 साल पहले, बल्कि 2003 में भी जो प्राइस थी, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं, मेरा खरीदने का ही काम है ये सब ऑयल वगैरह खरीदने का, और इसकी रेट्स का हम जब ATF खरीदते हैं तो वो हमें पता होता है कि किस तरह से रेट्स जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब तो हमें पता चलता है कि जो ट्रक्स वगैरह है उनके दाम क्यों, उनके पर किलोमीटर क्यों बढ़ रहा है। तो आई एम अवेयर ऑफ दिस। लेकिन इस वक्त जो मार्केट है बहुत ही कंड्यूसिव है, अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट है वो पहले की तुलना में आधी है। पहले $108 पर बैरल था, अब 50 के आसपास है। ऐसे में और ऊपर से सरकार ने पता नहीं क्यों इसमें एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल पे भी 2.5 गुना कर दी है पहले की तुलना में, और डीजल पे भी 8 गुना कर दी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के, जब इसका ऐलान हुआ था और बजट के दौरान, तो ये भी कहा गया था कि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं पड़ेंगी और आम आवाम को इसका बोझ नहीं सहना पड़ेगा। क्या सहरावत जी ऐसी बात नहीं कही गई थी? क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इससे बहुत जल्द कमी देखी जाएगी महंगाई में? वो तो जुमला था, कल ही 26 पैसे बढ़े हैं। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आने वाले समय में आप एक्साइज ड्यूटी पर और एक्साइज के प्राइसिंग पर काफी इफेक्ट देख पाओगे। जैसे ही क्रूड ऑयल का डिमांड एंड जो सप्लाई का जो मैटर है हमारा ओपेक कंट्रीज के साथ उस टाइप में हम उसको मीटअप कर पाते, तो मुझे लगता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट आप OMC's कंपनीज के प्राइसिंग पर देख पाओगे। जी हाँ जी, बिल्कुल आप देख पाओगे। और सरकार, और मुझे ये चीज पूछना है विशाल जी कि और भी तो चीजें हैं, केवल पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, गैस भी है। जी जी, LPG है, LPG सीधे हमारे घर की कुकिंग इफेक्ट होती है, वो उसके भी दाम कम हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि ओपेक कंट्री वहां से भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका सोर्सेस बताएंगे ना, फिर सोर्सेस के बगैर नहीं बात करिए, फिर कुछ भी बोल दिया तो वो तो जुमले ही है, जैसे कि पहले बोला अब बोल दिया। देखिए मैम, देखिए मैं अगर आकर ऑफिशियली बात कर रहा हूँ तो इसके पास मेरे पास कोई सोर्स ही होगा, उसी के बदौलत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे आर्गुमेंट को गलत कराना चाहती तो कह सकती हैं। नहीं, सोर्स बताइए, आपको सोर्स बताना चाहिए, नहीं तो देखिए जुमले की आपके पार्टी को आदत है। मैम देखिए, अब आप बुरा नहीं मानिएगा, पर आपकी पार्टी को जुमलों की आदत है। मुझे सोर्स बता दीजिए, अभी के अभी बताइए मेरे को, तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ आपसे बात करते हुए, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ बैठकर गूगल और एनसाइक्लोपीडिया के जरिए तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, आप अकलाइए मत, क्योंकि चलिए छोड़ दिया आपको, इन दोनों चीजों पे छोड़ दिया, प्याज पे भी छोड़ दें आपको। सोने के दाम बढ़ गए, स्टील के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, आप देखिए हर जिंस के तो दाम बढ़े हुए हैं। मैम देखिए, अगर आप चिल्लाकर बात करेंगे तो शायद बात में कोई वजन नहीं आएगा, लेकिन देखिए आप सोर्स मुझे बता नहीं पा रहे, इतना कोई इतना खुफिया सोर्स तो है नहीं कि आप दाम बढ़ाते जाएंगे और हमें सोर्स तक नहीं बताएंगे। जो सामने है वो ये दिख रहा है कि जो भी हमारे पेट्रोलियम के बैरल्स की दाम है वो कम हुए हैं। मैम मैंने आपको बोल दिया, आप बहुत अच्छे हैं, शालीन हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से आदर से सम्मान से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेस बताइए ना, आपके पास जो है वो बताइए, सबके सामने आना चाहिए जिससे कि देश को पता चले कि